अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आजकल इतने शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं। आज जुम्मे का दिन है और 23 दिसंबर डेट है। मैं अभी जुमा पढ़ के आया हूँ। ये वो मस्जिद है, इस मस्जिद से यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ मुझे 10 सेकंड लगे होंगे, लेकिन इन 10 सेकंड में मेरा जिस्म शाल हो चुका था। मौसम ऐसा है कि आप 2 से 3 मिनट में बिल्कुल जो है वो आप बाहर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इस वक्त -3 फॉरेनहाइट है, जो कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करें तो ये -20 बनता है और फील्स लाइक -30 जा रहा है। खबरों में है कि -35 तक जाएगा आज टेम्परेचर। जो शदीद हवाएं चल रही हैं वो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। मैं अभी चूंकि मस्जिद से घर जाना है मैंने, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रास्ते में क्या मामलात है, क्या हिसाब किताब है, मैं आपको वो सारा दिखाता हूँ। बहुत तेज़ हवा है, मुझे नहीं पता कैमरे में ये नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन गाड़ी को ये महसूस होता है, इतना ज़्यादा एक हवा का प्रेशर आके पड़ता है गाड़ी पे, तो काफ़ी सख्त तूफ़ान है। अभी इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन तूफ़ान अभी भी बहुत है। यहाँ की अच्छी बात ये है कि स्नो को वो रोड पे ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, साथ साथ उसको क्लियर आउट करते जाते हैं, इस वजह से जो रोड्स हैं वो काफ़ी सेफ होती हैं ड्राइविंग के लिए। लेकिन अगर आप छोटी स्ट्रीट्स पे जाएं और वहाँ पे आपको ये मुश्किल का सामना रहता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होती क्योंकि इनका फोकस जो है वो मेन हाईवेज़ और मेन रोड्स होती हैं, तो इस वजह से मेन हाईवेज़ पे आपको गाड़ी चलाना कदरे आसान है। कल इस वक्त टेम्परेचर कोई 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड था और कल से लेकर अब तक तकरीबन 30 डिग्रीज का फ़र्क आया, और 10 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड से अब टेम्परेचर इस वक्त -22 पे चला गया, और गुजरते वक्त के साथ साथ रात तक ये -35 तक जाएगा। ये तूफ़ान इसी तरह रहेगा कल तक, कल दिन को इसका इसमें जो है वो कमी आएगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है वो तकरीबन पूरा ही स्नो है, लेकिन तूफ़ान कम हो जाएगा। इस मौसम में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर जब आप लेंस चेंज कर रहे होते हैं तो उस पर काफ़ी गाड़ी स्लिप हो रही है। लेकिन शुक्र है कि रोड्स काफ़ी क्लियर हैं और उस तरह स्नो भी नहीं पड़ रही, तो कदरे आसान है गाड़ी चलाना। एक अच्छी बात यह है कि 2-3 दिन पहले वेदर वार्निंग्स आना शुरू हो चुकी थी, इंटरनेट पे भी बता रहे थे, टीवी पे भी बता रहे थे मुसलसल के वेदर वर्स्ट वेदर आ रहा है, आप उस हिसाब से तैयार हैं। और दूसरा ये कि आज से जो है वो 23 से क्रिसमस की छुट्टियां हैं वो भी स्टार्ट हैं, तो ज़्यादा जॉब का और इधर उधर मसला नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ जॉब्स हैं जो आज ऑन थी जहाँ पर छुट्टी नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने वेदर की वजह से वो स्कूल्स और वो जॉब्स जो हैं वो बंद हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो आज घरों में ही हैं। रोड जो हैं वो आप देख रहे होंगे सुनसान हैं, खाली हैं, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही हैं। मैं हल्की सी भी अगर ब्रेक लगा रहा हूँ तो गाड़ी जो है वो एकदम भिदक जाती है, एकदम स्लिप हो रही है, इस वजह से ब्रेक लगाना तो बहुत मुश्किल है।
हाँ।